हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे कल कॉल मैसेज किया था, मतलब मैं कल उठा नहीं पाई, मन मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि रिसेंटली मैं वो सुनी थी। अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। एट दैट टाइम मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह लगभग 7 बजे मैं सोची घर में फ़ोन करूँ कि नहीं, मम्मी को फ़ोन करूँ कि नहीं, बहन को फ़ोन करूँ कि नहीं। 7 से करते करते 9 बज गए। 9 बजे मैं फ़ोन करने ही वाली थी कि पापा बीमार है, पता चला फ़ोन साइलेंट में नहीं, मैं फ़ोन कर डालूंगी तो, और रात भर सब लोग सोए भी नहीं होंगे। तो फिर मैं मेरी सिस्टर से बात की, मेरी सिस्टर वहाँ पे है, उससे बात की मैं, तो वो बोली कि पापा रात भर नहीं सोए, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। कल तो मैं आप लोग को बताई थी, लेकिन जितना मुझे जानकारी था मैं आप लोग को कल उतना ही शेयर की। बाकी जानकारी मुझे आज मिला है बहन के थ्रू, तो मैं आप लोग से वो शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं पापा के बारे में पूछ रहे हैं। पूरा मैसेज मेरा भर चुका है, 200 से 300 मैसेज पूरा पेंडिंग है जो मैं रीड ही नहीं कर पा रही हूँ, और कॉल व्हाट्सअप कॉल है जो मैं अटेंड कर ले रही हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, स्क्रीन खोल के मतलब मैं क्या रिप्लाई दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज में सभी पूछ रहे हैं कि पापा थोड़ा ठीक हुए, ठीक हुए, ठीक हुए, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन बता रही थी पापा का जो बायोप्सी हुआ, मैं एक कमेंट रीड की थी जो जिसमें किसी ने कहा था मुझे कि बायोप्सी का जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप निश्चिंत रहो और भगवान से प्रे करो कि जो बायोप्सी का रिज़ल्ट है वो मतलब अच्छा ही आए। क्योंकि पापा, जैसे आप लोगों को मैं बोली थी, पापा के पूरे बॉडी में गांठ बन गया था। मेन पता है, पापा वीक इतना पड़ गए, पापा कल 2 बार बेहोश हुए जो कि मुझे क्लियर तरीके से लोग बताए नहीं थे कि पापा को जब अंदर ले गया ना तो पेशेंट के साथ कोई नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं, कितना भी जो भी हो नहीं जा सकते, ओनली सिर्फ पेशेंट जा सकता है। जब पापा को जब लेके गए अंदर में, उसके बाद पापा का मतलब पेट में पानी भरा था, तो पेट में आप लोगों को पता है पेट में पानी कैसे निकालते हैं, इतना मोटा सा एक वो रहता है निडल, ऐसा जिग-जैग उसको ऐसा पूरा इंजेक्ट करते हैं, तो इतना मोटा निडल अगर इंजेक्ट करोगे तो इतना मोटा छेद होता है ये पेट में, वहाँ पे इंजेक्ट करके जो पापा का जो पेट का पानी है वो पूरा निकाल। थोड़ा सा पानी बचा था, 2 लीटर पानी निकला कल, थोड़ा सा पानी बचा था, यहाँ पे छेद किए 4 इंच के अंदर, फिर यहाँ पे छेद किए पापा का सेम इतना मोटा निडल के साथ, फिर छेद किए, छेद करके पेट के अंदर जितना भी पापा का गांठ बना हुआ था, पापा का गांठ सिर्फ पूरे बॉडी में नहीं था, पापा का गांठ पेट में भी था और भी बहुत जगह है, तो पेट में जितना भी गांठ है, क्योंकि पापा का पानी पेट में जम रहा है, तो पेट के गांठ को पूरा ब्लास्ट किए। और मुझे नहीं पता एनेस्थीसिया दिए कि नहीं दिए, बोल रहे थे, बोलते बोलते पूरा रो दिए, बोलते इतना दर्द मुझे हो रहा था, मतलब शायद 13 या 14 गांठ पापा के पेट में था, तो जितना भी गांठ पापा के पेट में था पूरे गांठ को इन्होंने ब्लास्ट किया, जितने भी गांठ था। मुझे पता नहीं ब्लास्ट किस तरीके से करते हैं, किस प्रोसीजर में करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर वो जो ब्लास्ट किए ना, वो जो पानी फिर उन लोग वहाँ से निकाले, मतलब बायोप्सी में ये होता है ना कि बॉडी में गांठ क्यों बन रही है, तो गांठ का अंदर का लिक्विड जो रहता है, जो भी म्यूकस वगैरह जो भी रहता है गांठ के अंदर का, वो लेके फिर उन लोग उसका आगे रिसर्च करते हैं किस कारण से बन रहा है। तो पापा बोल रहे थे, मतलब बहन जो मुझे बताई कि जितना भी गांठ उन्होंने ब्लास्ट किया पेट के अंदर, पापा पूरा फील कर पा रहे थे पेट के अंदर, पूरा ठूस 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 करके फूट रहा था और बहुत पेन हो रहा था। मतलब सबसे आखिरी वाला शायद उसको जब ब्लास्ट किए ना, उसके पहले पापा बेहोश हो गए क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। एनेस्थीसिया दिए कि नहीं दिए, मैं बहन को पूछ, एनेस्थीसिया दिए थे कि नहीं दिए थे, बोलती वो हमको नहीं पता, हमको अंदर घुसने ही नहीं दिए। फिर मम्मी एट दैट टाइम वहाँ पहुँची क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो जाके देखते पापा ऐसे बेहोश पड़े हैं, मम्मी डर गई, मम्मी उनको हिला रही है, चिल्ला रही है, पापा उठ ही नहीं रहे हैं। फिर मम्मी नर्स को बुलाई, नर्स को बुला के फिर नर्स पापा को एकदम बोले चाटा मारते हैं बेहोश होने से, मार मार के पापा को उठाए, फिर पापा मतलब होश में आए। आने के बाद पापा और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मतलब वहीं पे रो रहे, इतना पापा को पेन हो रहा है। पापा मतलब बहुत मुश्किल से पापा को मतलब पापा भी ऐसा हो रहा है कि मतलब यूरिन भी नहीं कर पा रहे, उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे।
मतलब एक होता है ना पापा, पापा कभी सीधा नहीं सो पाता, आप लोगों को बोले ना पापा का रीढ़ की हड्डी पापा को चुभता है पीठ में, सीधा नहीं सो पाते, तो हमेशा तो लेफ्ट सोएंगे या तो राइट सोएंगे। लेकिन कल रात को बहन बोली पापा रात भर नहीं सोए क्योंकि पापा ना लेफ्ट हो पा रहे ना राइट हो पा रहे, सीधा ही सोए हुए हैं। और बहन बोली कि तू अगर देखती तो शायद तू बेहोश हो जाती। मम्मी तो रो दी, मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाली और पापा दर्द से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। बोलती है ऐसा इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे एक छेद के पेट में और यहाँ पे एक छेद के पेट में, दो छेद पापा के पेट में है और दोनों जगह भी फिलहाल पट्टी वट्टी बांधा हुआ है। पापा से फिर मैं बात की, पापा से बात करी, पापा रो दिए, बात ही नहीं कर पा रहे थे, बस हेलो बोल के रो दिए। जब हमको परेशानी होती है हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, उनको बोल के हम रो देते पापा यहाँ दर्द हो रहा है पापा, और नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हमारे पेरेंट्स लोग भी, तो हम ही को बोल के रोएंगे ना यहाँ दर्द हो रहा है नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। पापा कल बहुत ज़्यादा पेन में थे, रात भर भी नहीं सोए, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पापा फटाफट रिकवर हो जाए। और बायोप्सी का जो रिजल्ट है, बायोप्सी बहुत पेनफुल था, किडनी का जो बायोप्सी पापा का होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। किडनी के बायोप्सी में ये होता है कि किडनी का छोटा सा भाग लेके उस पर वो लोग आगे रिसर्च करते कि मतलब जो भी करते हैं कि क्यों किडनी का फंक्शन काम नहीं कर रहा, किडनी में क्या प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे भी बॉडी का बायोप्सी हुआ तो पेट सबसे ईजी तरीका है, पेट के अंदर जो गांठें हैं उसको लेके उसका प्रैक्टिकल जो भी रहता है वो करने में, तो उन्होंने पेट से लिया, पेट में बहुत सारा गांठ था, गांठ को पूरा फोड़ के जो भी निकला लिक्विड म्यूका जो भी निकला उसको लेके अभी लोग करेंगे, जो भी इनका ट्रीटमेंट करने के बाद फिर पता चलेगा पापा को क्या हुआ है। और बायोप्सी का रिजल्ट आने वाला है मंगलवार को, मंगलवार मतलब बहुत लेट है, आज शनिवार है, रवि सोम मंगल, मंगलवार को आएगा, तब तक पापा वहाँ पे रहेंगे, मम्मी अभी तो वहाँ पे रहना ही है। बायोप्सी का रिजल्ट आएगा, बॉडी का गांठें क्यों बन रही है वो निकलेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। फिर मम्मी बोली तेरे पापा किडनी का बायोप्सी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कल बहुत रोई, मन मेरा बहुत खराब था। फिर जो मेरे एकदम क्लोज वन सब्सक्राइबर है जिनको मैं आंटी बोलती हूँ, मैम बोलती हूँ, दीदी बहन बोलती हूँ, सबने कल मुझे कॉल किया, मुझे मोटिवेट किया, बोला शताब्दी आप इस तरीके से अगर टूट जाओगे तो कैसे होगा, घर का बड़ा बेटा बड़ी बेटी आप ही हो, आप ही को सब चीज़ें करना है। फिर मैंने बोला नहीं, टूटना मुझे नहीं है, मेरे पापा के लिए जो मैं कर रही हूँ मरते दम तक करूँगी, जिंदगी भर करूँगी, ताकि मेरे को कभी बुढ़ापे में मरते वक्त ये रिग्रेट नहीं हो कि मैं ये कर सकती थी मेरे पापा के लिए बट मैंने किया नहीं। माँ बाप एक होते हैं और साक्षात जो भगवान बोलते हैं ना वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। भगवान खुद बोलता है हमसे पहले अपने माँ बाप को पूजो, उनको पूजोगे उनको उनकी सेवा करोगे वो सेवा हमको लगता है। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में कभी ये गिल्ट नहीं फील करना चाहती, अरे मैं तो पापा के लिए कर सकती थी बट मैंने किया नहीं। फिर मेरा व्यर्थ है ये फिर ज़िंदगी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी दिया है, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, अगर मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊँ तो ज़िंदगी व्यर्थ है मेरी। तो मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना कोशिश करूँगी मेंटली स्ट्रांग रह के, फिजिकली मुझे अपने आप को फिट रखना है, स्ट्रांग रखना है, तभी मैं फाइनेंशियली पापा को हेल्प कर पाऊँगी, हर चीज़ कर पाऊँगी। अभी मम्मी तो कह रही थी किडनी का बायोप्सी हम नहीं करेंगे तो पापा को दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। लेकिन हम लोग भी तुरंत तुरंत किडनी का बायोप्सी नहीं करेंगे, हम लोग डिसीजन ले चुके हैं क्योंकि मेरे अभी पेट में टोटल 3 बार छेद हो चुका है, अभी तीसरी बार अगर फिर से पेट में, चौथी बार फिर से पेट में छेद होगा पापा को दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं। किडनी का एक टुकड़ा लेके लोग बायोप्सी करते तो वो पेन बहुत ज़्यादा होगा, पेनफुल होगा, तो एट दैट टाइम पापा को दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, डॉक्टर को बोलेंगे 1-2 महीना रुक जाइए फिर हम ज़रूर करेंगे किडनी का बायोप्सी, क्योंकि हमारे पेशेंट अगर मेरे पापा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, पता है मैं बता रही हूँ, अभी फिलहाल पेट का पानी निकाले और पेट का बायोप्सी जो किए, बॉडी का बायोप्सी, पापा उसमें इतना भी पड़ गया, अभी पूरा पूरा बेड में है पापा। बहन बोल रही थी पापा मतलब अभी ये 10-15 दिन में सबसे ज़्यादा सीरियस पापा अभी हैं, सबसे ज़्यादा सीरियस। भगवान से मैंने मन्नत मांगा है,
बस मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरे पापा को ठीक कर देंगे। तो मैंने जो मन्नत मांगा है मैं उसको एकदम एकदम मन से करूंगी। लाइफ में बहुत सारी चीज खोई हूँ मैं, बहुत सारा चीज, और हिम्मत नहीं है, कुछ हिम्मत नहीं है। आज मेरा कोर्ट का पेशी भी है, अभी सुबह नींद से उठ के झाड़ू मारी, अभी खाना वाना बना रही हूँ, रेशो को खिला के उसके बाद मैं कोर्ट के लिए निकलूंगी। आज एक साथ 3 या 4 पेशी है मेरी, डिवोर्स का है 125 से 125 3 है, और शायद बच्चे की कस्टडी का भी है, तो ये सारा जाके मुझे भी अटेंड करना है। देखती हूँ कब तक टाइम लगेगा, क्या लगेगा। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे आपके मामा है कि नहीं, मेरे मामा है वहाँ पे, मामा है, मम्मी है, बहन है। अब मैं अभी 2-3 दिन में निकलूँगी, मैं जब से आई हूँ तब से मैं फ़ोन में पता ही कर रही हूँ ज़मीन और तालाब के लिए। हमारे वहाँ के ब्रोकर है, उनको बोली हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, ब्रोकर भी है, उनको बोली हूँ प्लीज़ आप थोड़ा सा, ये हमारा इतना मतलब तालाब है हमारा, और तालाब में मछली भी है, कोई अगर लेना चाहता है आप थोड़ा ऐड लगा दीजिए। तो उन्होंने ऐड लगा दिया है, कोई भी अगर कांटेक्ट करता है, कोई भी कांटेक्ट करता है तुरंत उसको सेल करना है। और मैं कोशिश करूँगी जितने मेरे पास कपड़े वगैरह है, और मैं अभी नए कपड़े शायद ही लाऊँगी, नहीं ला पाऊँगी मैं नए कपड़े, क्योंकि दुकान में ऑलरेडी मेरा बाकी चल रहा है। मैं जहाँ से कपड़े लाते हूँ आप लोगों को पता होगा मैं वहाँ पर पैसे नहीं देती हूँ, आफ्टर सेलिंग मैं पैसे देती हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से भी कपड़े नहीं लाऊँगी क्योंकि वहाँ पर बाकी चल रहा है। दोबारा फिर कपड़े लाऊँगी तो और मेरा बाकी हो जाएगा। तो मैं शायद अभी 2-3 दिन में शायद मैं भी निकलूंगी वापस। उनको बोली हूँ मेरा फैमिली का कंडीशन ऐसा ऐसा है भैया, तो थोड़ा सा बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक होता नहीं, एक साल से आप ले रहे हो, एक ट्रस्ट, एक फैमिली वाला बॉन्ड बन जाता है, तो जिस कारण से वो बोले कोई बात नहीं आप मुझे आराम से दे देना। तो कपड़े वगैरह भी नहीं लाऊंगी मैं अभी, मैं जितने कपड़े हैं उसको सेल करके जितने पैसे मुझे बनेंगे मैं या तो ट्रांसफ़र कर दूंगी या तो मैं खुद लेके जाऊंगी, क्योंकि पापा का सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बस हम बायोप्सी का वेट कर रहे हैं, होप सो बायोप्सी का जो रिज़ल्ट है वो एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है। बस यही मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से, सब ठीक हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए। और हम डॉक्टर से ये बात करेंगे कि सर आप जो किडनी से जो प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो आप उसको उसकी दवाई दे दीजिए आप, ताकि प्रोटीन डिस्चार्ज मत हो, क्योंकि पापा का बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिस्चार्ज हो रहा है, बस वो मत हो। चलिए अभी मैं जाती हूँ, ऑलरेडी लेट हो रहा है, मुझे अभी जाना है कोर्ट में, खाना वाना खा के ऋषियों को खिला के फिर मैं कोर्ट के लिए निकलूँगी, फिर आके आप लोगों को बताऊँगी आज। हाँ नहीं बेटा, हम लोग मंदिर जाएंगे अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चा ये सब चीज़ सीख रही है, इसलिए मैं उसको अलग वहाँ पर बिठा के यहाँ पे आई थी, फिर आप लोग से बताऊंगी क्या हुआ कोर्ट में।